ठीक है। एंड वन मोर थिंग, हम एक चीज और कर लेते हैं। पर वो जो आपने कल मेटा लॉगर वो बताया था लास्ट में, एक बार थोड़ा सा जस्ट बता दोगे उसका? कौन सा वाला मैम, वो जो लास्ट में पेडालॉजी और वो सब बताया था, एक बार थोड़ा बता सकते हो? अच्छा ठीक है ठीक है, रुको। डिलीट हो गई। अच्छा चलो कोई ना, मैं इस क्लास के बाद आपके साथ ये डॉक्यूमेंट ही शेयर कर दूंगी। ठीक है, अभी के लिए हम फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा ह्यूटागोजी वाला बोल रहे हो, ठीक है जी, वो बता देती हूँ एक बार। हाँ जी, तो कल हमने वहीं तक किया था। पैडागोजी क्या है, एंड्रोगोजी क्या है और ह्यूटागोजी क्या है। इन शॉर्ट मैं आपको यही बताती हूँ कि पैडागोजी जब हम बात करते हैं तो हम एक किशोर अवस्था तक के बच्चे को पढ़ाने की बात करते हैं। ठीक है, और जब हम कि उनको पढ़ाने के ना तरीके अलग अलग होते हैं, उनकी अट्रैक्शन आपको चाहिए होती है, क्लास में उनका ध्यान आपकी तरफ चाहिए होता है, उनको काफी ज्यादा कह लीजिए पढ़ाई के लिए आपको खींचना पड़ता है और वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। पैडागोजी का मतलब ये होता है। ठीक है, और आपकी जो विधियां होंगी वो बिल्कुल ही स्टूडेंट के अकॉर्डिंग रहेंगी। अकॉर्डिंग का मतलब है तो अकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग मतलब कि उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप गए और लेक्चर देके आ गए, किसी ने सुना तो सुना, नहीं सुना तो नहीं सुना, ऐसा नहीं। ठीक है, कि मतलब बच्चा उसमें पूरा इन्वॉल्व हो, ये आप चाहोगे। इस वजह से ज्यादा इंटरेक्टिव वीडियोज या इंटरेक्टिव चीजें करने की कोशिश करोगे तो वो पैडागोजी है। एंड्रोगोजी के अंदर क्या है कि लर्नर आपके ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, एक एक चैप्टर के लिए आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, आप नहीं पढ़ाओगे तो वो खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि वो अगर आप एज ग्रुप की बात करो तो कॉलेज का जो टाइम पीरियड है हमारा, ठीक है, कॉलेज के टाइम पीरियड से अगर आप देखो कि किशोर अवस्था से बच्चे जो है वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां के जो वो जो बच्चे हैं जो किशोर अवस्था के ऊपर के जो एज के बच्चे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एंड्रोगोजी उनके लिए यूज कर रहे हैं। यानी कि मुझे उनकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा, वो आए हैं तो वो खुद इतने एडल्ट्स क्या होते हैं, एडल्ट लर्नर क्या होता है, जिसको खुद को पता है कि मुझे क्लास में सुनना है, उसके लिए टीचर को एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें एंड्रोगोजी है। देन ह्यूटागोजी क्या है, जहाँ पे टीचर है ही नहीं, टीचर की जरूरत ही नहीं है, जैसे कि ऑनलाइन टीचिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू, जैसे आजकल आप यूट्यूब से ही बड़ी चीजें सीख लेते हो या आप और भी प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे जैसे स्वयं वगैरह, इन सब चीजों से आप काफी चीजें ऐसी सीख लेते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जिसके अंदर आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है एक टीचर के पास ट्यूशन या एक टीचर के पास क्लास लेने की। ठीक है, तो ये आपकी ह्यूटागोजी होती है। तो तीनों में ये बेसिक डिफरेंस है। ये छोटे बच्चे के लिए है, बच्चे छोटे बच्चे मतलब स्कूल एज, स्कूल के लिए आप समझ लो कि ये स्कूल के लिए है शिक्षण विधियां। ये आपकी कॉलेज लेवल के ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, और ये ऑनलाइन की बात हो रही है यहाँ पे, तीनों में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं हमारे मेथड्स ऑनलाइन के ऊपर। आपने ऑफलाइन काफी मेथड्स देख लिए, हालांकि उन्होंने हमें तीन मेथड पढ़ने के लिए बोला है, तीन जो चीजें पढ़ने के लिए बोला है वो तीन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन मेथड्स है क्या या इसमें कौन कौन से शब्द आपको आ सकते हैं पेपर में? एक तो आप बार बार देखते हो कि ऑनलाइन वर्ड काफी यूज होता है। अब ऑनलाइन आप सब जानते हो, हम सब फेमिलियर है कि ऑनलाइन का मतलब क्या है। जैसे आप अभी पढ़ रहे हो वो ऑनलाइन है, यानी कि जहाँ पे आपको जो कॉन्टेंट है वो कैसे डिलीवर होगा, ये जब छोटा होगा ना पीपीटी तो आपको नजर आएगा। ठीक है, अभी ब्लर हो रहा है क्योंकि मैंने पूरी स्क्रीन पे खोला हुआ है। तो कंटेंट डिलीवर्ड ऑनलाइन, जो आपको केवल टेक्नोलॉजी के थ्रू कंटेंट आया है, स्टूडेंट सेल्फ स्टडी ओरिएंटेड अप्रोच विद मिनिमल टीचर इंटरेक्शन। तो जैसे MOOC में होता है कि कम से कम टीचर की इंटरेक्शन होती है और ज्यादातर चीजें आपको ऑनलाइन ही मिल जाती हैं, जैसे रिकॉर्डेड वीडियोस हो गई या आपको डाउनलोड कर लो आप मटेरियल मिल जाता है, आप वहां से भी पढ़ लेते हो, है ना। तो इस तरीके की ये जो चीजें हैं ये आपको ऑनलाइन अवेलेबिलिटी इनकी हो जाती है। अगर आपको ऐसा शब्द लिखा जाता है कि सही आपके ट्रेडिशनल टीचिंग क्या है, ट्रेडिशनल टीचिंग का मतलब है आमने सामने इन पर्सन बैठ के। ट्रेडिशनल मतलब लेक्चर
बेस, पारंपरिक जिसको हम कहते हैं। तो पारंपरिक मैंने कल भी बताया था कि ये हमारा पुराना मेथड है, कहीं भी ये लिखा हो तो ये इन तीनों से चारों से नहीं मिलता, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये सबसे ऑड वन आउट है। जब आपके ऑप्शन में वो ट्रेडिशनल लिखेगा, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, लेक्चर मेथड की बात कर रहा है, जो आमतौर पर हम क्लास में जाके देते हैं, ऐसे नहीं जैसे मैं दे रही हूँ, ठीक है। तो क्लासरूम में जाके जब आप फेस टू फेस बच्चे के आमने सामने बैठ के उसको पढ़ा रहे हो, एक लेक्चर दे रहे हो, कोई कोर्स कंप्लीट करा रहे हो, उसको हम अपना हमारा पारंपरिक विधि कहते हैं। पारंपरिक मतलब जो शुरू से चलता आ रहा है, गुरुकुल सिस्टम से हम यही करते आ रहे हैं, इसलिए हम इसको ट्रेडिशनल कहते हैं। फिर एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम, ठीक है। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, ये भी कई जगह लिखा होता है, कई बार ऑप्शन में भी आपको आ सकता है। देखो फ्लिप्ड के अंदर ऐसा होता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो मैम, जो ट्रेडिशनल है वो ऑनलाइन में नहीं आएगा ना? नहीं, वो पुराना है। पुराना मतलब ऐसा नहीं कि वो बंद हो गया, आज भी हम लेक्चर देते हैं, लेकिन वो पहले से चलता आ रहा है, ऑनलाइन तो नया है ना, ठीक है। तो फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है कि फ्लिप्ड के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स रिव्यू लेक्चर कंटेंट प्रायर टू क्लासरूम, यानी कि बच्चे पहले से, अब जैसे आप लोग पहले से पढ़ के नहीं आते हो मुझे पता है, लेकिन फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है, बच्चे पहले से पढ़ के आते हैं, ठीक है। जो भी चैप्टर होता है, जो भी आज पढ़ाया जाएगा या जो भी पहले पढ़ा चुके हैं, वो बच्चे पहले उस कॉन्टेंट को पढ़ के आते हैं खुद से। फिर क्लास टाइम में टीचर पढ़ाता नहीं है, फिर फ्लिप्ड क्लासरूम में क्लास टाइम में सिर्फ क्या करता है, डिस्कशन, विचार विमर्श। देखो अब अगर आप पढ़ के आते हैं ना इस चीज को या किसी भी चीज को, जैसे मान लो अगर हम एक टॉपिक की बात करते हैं कि इवैल्यूएशन पढ़ना है हमने, अगर मैं आपको बता दूं कि कल हम इवैल्यूएशन पढ़ेंगे, आप सब भी पढ़ के आओ और मैं आपको कुछ पढ़ाऊं ना, मैं आपसे भी पूछूं और अपना खुद का भी बताऊं, ठीक है। तो वो क्या रहती है कि वो उसके अंदर क्या होता है कि बच्चे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर रखते हैं, क्योंकि वो पढ़ के आए होते हैं ऑलरेडी, उस चीज के बारे में उनको काफी नॉलेज होती है क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज को देख के आए होते हैं क्लास से पहले। तो ये होते हैं हमारे फ्लिप्ड क्लासरूम, ठीक है। फिर आता है वर्चुअल। वर्चुअल हम किसको कहते हैं, जिसके अंदर फेस टू फेस क्लासरूम एक्सपीरियंस, हाँ जी मैम, ये फ्लिप्ड में जो डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन बच्चों के बीच में होता है ना, कि टीचर और बच्चों के बीच में होता है? टीचर भी होता है, टीचर भी होता है। बस ये है कि क्लास में बच्चे भी टीचर के साथ मतलब विचार विमर्श करते हैं, मतलब आपस में चीजों को शेयर करते हैं, अपने थॉट्स, वो क्या पढ़ के आए हैं। आई थिंक देयर इज अ, हेलो, हां जी हां जी हां जी मैम, देयर इज अ फुल फॉर्म ऑफ फ्लिप, राइट? फ्लिप का एक फुल फॉर्म होता है ना, फ्लिप का वो बनाया हुआ होता है, एज सच कोई नहीं होता। ओके, वो हम लोगों से नहीं पूछा जाएगा ना, राइट? अच्छा, वर्चुअल क्या है? वर्चुअल जब हम कहते हैं कि हम जैसे इस वक्त जो हम कर रहे हैं वो वर्चुअल क्लासरूम है, मतलब हम आमने सामने तो हैं, जैसे आपका कैमरा मैं ऑन करवा दूं या आप भी मुझे देख पाओगे या मैं भी आपको देख पाऊंगी, तो देख तो हम पाएंगे, फेस टू फेस हो जाएंगे, है ना, लेकिन सच में फेस टू फेस तो नहीं होंगे ना, मतलब सच में मतलब आमने सामने तो नहीं होंगे बिल्कुल ही फिजिकली, ठीक है। तो वर्चुअल क्लासरूम का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है, बिल्कुल ट्रेडिशनल क्लासरूम के जैसा है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के थ्रू है, यानी बिल्कुल जैसे अभी आप क्लास ले रहे हो वो आपकी वर्चुअल क्लास चल रही है, यानी कि आप मेरे सामने प्रेजेंट हो, मैं भी आपके सामने प्रेजेंट हूँ, लेकिन सच में मतलब फिजिकली भौतिक तौर पर हम एक दूसरे के सामने एक दूसरे के साथ नहीं है, एक ही जगह पे नहीं है, हम अलग अलग जगह पे वर्चुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। उस चीज को हम क्या कहते हैं, ऐसे अगर आप लर्निंग कर रहे हो या ऐसे अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल क्लासरूम कहते हैं। देन एक आता है हाइब्रिड, सॉरी हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है जी? हाइब्रिड क्या है कि मल्टीपल टीचिंग मेथड्स, हाइब्रिड का मतलब होता है जब कई सारे टीचिंग मेथड आप यूज कर लेते हो, जैसे कि मान लो इस वक्त अगर मैं बात करूं कि अगर आप क्लास में हो और आप एक पीपीटी से भी पढ़ा रहे हो, ठीक है, फिर आप ऑनलाइन भी कई चीजें बच्चे को समझा रहे हो, फिर आपने एक प्रोजेक्टर पे भी कुछ बताया है, फिर आप लेक्चर भी बीच में दे रहे हो, तो अगर आप एक पेडागोजी के कोर्स के अंदर यानी बच्चे को पढ़ाते वक्त अगर आप मल्टीपल टीचिंग मेथड्स यूज करते हो, यानी कि
कई सारी शिक्षण विधियां जब हम मिक्स करके यूज करते हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण, ठीक है, यानी कि हम इकट्ठा कर लेते हैं कई सारी शिक्षण विधियों को, तो उसको हम हाइब्रिड टीचिंग कहते हैं, यानी कि हाइब्रिड हो जाती है, तब ये टर्म यूज होती है। अच्छा, एक और टर्म आपको बताती हूँ, वो होती है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड, ब्लेंडेड का मतलब होता है मिक्सचर। मिक्सचर किस चीज का? मिक्सचर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का, यानी कि क्लास तो मैं ऑफलाइन ले रही हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे, जैसे जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी तो इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चे जो दूर से बिलोंग करते थे, जो तो लोकल होते थे चंडीगढ़ के, है ना, वो क्लासरूम में आ जाते थे, मतलब क्लास पे आ जाते थे, क्लास भी उसी टाइम पे होती थी, मैं भी पढ़ा रही होती थी उसी टाइम पे, बोर्ड पे पढ़ाती थी फिजिकली, है ना, वहां पे प्रेजेंट होती थी, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते थे, ऑनलाइन ज्वाइन करते थे हमारी क्लास में, ठीक है, तो हम एक स्टैंड लगा के मोबाइल लगा देते थे जिससे बच्चे को ब्लैक बोर्ड और मैं नजर आती थी, और जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी मैं समझा रही हूँ, वो लोग भी पढ़ते थे, बट देवर Not present there, वो लोग वहां नहीं होते थे, वो लोग ऑनलाइन वहां पे होते थे, तो वहां पे हम क्या करते थे, blended learning, blended मतलब mixture, किसका mixture, offline और online दोनों इकट्ठे, ठीक है, उसको हम blended कहते हैं। तो ये 5-6 terms हैं जो आपको clear होनी चाहिए कि कहीं भी option में अगर ये आ जाती हैं तो आपके दिमाग में ये बात पता होनी चाहिए कि वर्चुअल की बात हो रही है तो क्या है, ऑनलाइन की बात हो रही है तो क्या है, हाइब्रिड क्या होता है, फ्लिप्ड क्या होता है, और ब्लेंडेड क्या होता है, क्योंकि ये जो 4-5 टर्म्स हैं ये सारी टेक्नोलॉजी से रिलेट करती हैं, ठीक है, इज इट क्लियर मैम? जो फ्लिप्ड है हाइब्रिड, उसे हिंदी में क्या बोलेंगे मैम? फ्लिप्ड, एक मिनट रुको बताती हूँ, मैंने इसको जहां भी पढ़ा है फ्लिप्ड ही पढ़ा है, एक्चुअली फ्लिप्ड ही लिखा हुआ है पूनम, इसको नेट पे भी हिंदी में करके फ्लिप लिखा हुआ है, फ्लिप्ड लिखा हुआ है हिंदी में बस। हाइब्रिड को, एक्चुअली हाइब्रिड क्या है ना, हाइब्रिड कोई इंग्लिश का या ये टर्म नहीं है, ये हम टेक्नोलॉजी से यूज कर रहे हैं, जैसे हम कम्युनिकेशन या आईसीटी में यूज करते हैं कुछ टर्म्स, तो वहां से इस तरीके की टर्म्स हैं, इसलिए हम इनको हिंदी में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे, हम इसको मतलब हिंदी में अगर मैं कन्वर्ट कहीं से जबरदस्ती कर भी दूंगी तो पेपर में क्या पता यही लिखा हुआ आ जाए, ठीक है? नहीं मैम, हिंदी में ना बहुत कठिन से शब्द ऐसे आ जाते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। हाँ वही बनेगा फिर, कठिन सा बन जाएगा कुछ, तो बेहतर होगा ऐसे याद कर लोगे, है ना, टर्म्स को। जैसे मैम आपने हाइब्रिड बताया, तो उसमें आपने यही तो बताया कि हम कई सारी शिक्षण विधियों को एक साथ मिक्स करके पढ़ाते हैं, जैसे हम कोई, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमने किसी प्लांट को मतलब दो उसके प्लांट मिला के कोई ब्रीड तैयार की, तो उसी तरीके हाँ, से हाँ, वही हाइब्रिड हाइब्रिड होता है ना, हाँ जी, बहु, जिसमें बहु आ जाता है, यानी कि मल्टीपल, ठीक है, जिसमें मतलब एक से दो से ज्यादा टेक्निक्स मैं यूज कर रही हूँ। नॉर्मली एक क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तो देखो वो बुक्स भी यूज करता है, वो चार्ट भी यूज करता है, वो टेबल ब्लैक बोर्ड सब यूज कर रहा होता है, लेकिन अगर आप उसमें टेक्नोलॉजी डाल लेते हो, या आप उसमें प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाना शुरू कर देते हो, या कंप्यूटर के थ्रू, पीपीटी के थ्रू, तो ये सारी चीजें मिक्स होके क्या कर देती है, उस क्लासरूम को हाइब्रिड बना देती है, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाओ कि हमारे जो उन्होंने कहा है हमें पढ़ने के लिए, तो मैंने यहाँ पे मेन मेन चीजें जो स्वयं के बारे में पूछ, तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे हमारे पास आवाज नहीं आ रही थी मैम, अब आ रही है? यस मैम। तो स्वयं क्या है, स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हमें, जैसे क्लास 9th से, पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि क्लास 9th से पोस्ट ग्रेजुएशन तक हमें इसमें पढ़ाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, ठीक है, एनीवन इसमें कोई भी पढ़ सकता है, एनीवेयर कहीं से भी बिलोंग कर सकता है, मतलब पूरे इंडिया में कहीं से भी पढ़ सकता है, ठीक है, एनी टाइम किसी भी वक्त आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, कोई एज क्राइटेरिया या कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको यहाँ पे मेन पॉइंट ये याद रखने हैं फर्स्ट वाले में,
ठीक है, फिर दूसरे वाले की बात कर लेते हैं कि इसके चार क्वाड्रेंट्स हैं। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है कि इसके कितने चरण हैं। चार क्वाड्रेंट्स यानी चार चीजें ये आपको प्रोवाइड करते हैं। चार क्या क्या होती हैं? पहली होती है जी वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है कि इसमें से कौन सी नहीं है या इसमें से कौन सी है। तो दूसरा है जी स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग, मतलब डाउनलोडिंग मटेरियल, जैसे मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ मटेरियल जिसको आप डाउनलोड कर लेते हो, प्रिंट आउट निकलवा लेते हो, इस तरीके से। तीसरी चीज क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देते हैं ये, ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सको कि जो आपने पढ़ा है या जो आपने वीडियोस में सुना है वो आपको समझ में आ गया कि नहीं, जैसे हम लोग टेस्ट करते हैं, टेस्ट और क्विजेस देते हैं। फिर चौथी चीज ये क्या देते हैं? ऑनलाइन इनकी एक डिस्कशन फोरम है, यानी कि जहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठते हैं, ठीक है, और वो आपसे इंपॉर्टेंट चीजें या आपके डाउट्स, इंपॉर्टेंट चीजें नहीं सॉरी, आपके सिर्फ जो डाउट्स होते हैं, जो भी आपकी शंकाएं रहती हैं कि हमने जो भी पढ़ा है उसके अंदर कोई भी डाउट है तो वो आप क्लियर कर सकते हो। तो चार चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है, वीडियो लेक्चर्स नंबर 1, ठीक है, नंबर 2 डाउनलोडेड या प्रिंटेड मटीरियल जिसको पेपर में आपके ऑप्शन में ई मटीरियल भी लिखा गया है, मतलब सेम ही होता है। ई मटेरियल मतलब जिसको मैं डाउनलोड कर सकती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, ठीक है, ई कंटेंट ऐसा भी लिख सकते हैं, ई कंटेंट, ठीक है। फिर अच्छा, टेस्ट और क्विजेज हो गया तीसरी चीज, और चौथी चीज आपके डाउट्स हो गया। देन उसके बाद इसके अंदर कौन सा सिस्टम यूज होता है? देखो, अब अगर मैं एक पहले मैं एक कॉलेज में पढ़ रही हूँ, ठीक है, फिर मैं स्वयं पे पढ़ने लग गई, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कोई एज ग्रुप तो है नहीं यहाँ पे, मैं कभी भी आज भी मैं एडमिशन ले सकती हूँ, लेकिन मेरी पुरानी डिग्रीज तो सारी कॉलेज की हैं, तो मुझे नंबर कैसे देगा वो? मतलब जो स्वयं है वो मेरे नंबर कैसे तय करेगा कि मुझे मेरी मार्कशीट कैसे बनाएगा? उसके लिए कौन सा सिस्टम यूज होता है? तो आपको याद रखना है कि ये लोग क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम यूज करते हैं। क्रेडिट ट्रांसफर मतलब ये नंबर ट्रांसफर नहीं करते, ये लोग क्रेडिट ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। वहां पे हमारी डिग्रीज के अंदर हमें क्रेडिट्स भी दिए होते हैं मार्क्स के साथ साथ। आप अपनी डीएमसीज देखना, वहां पे एक क्रेडिट का कॉलम होगा जिसके अंदर आपके क्रेडिट्स लिखे होते हैं, ठीक है, उन क्रेडिट्स को ये शिफ्ट कर देते हैं ऑनलाइन, ठीक। तो इनका क्या होता है? क्रेडिट ट्रांसफर का सिस्टम होता है जिसमें ये बच्चे को मार्क्स जो प्रोवाइड करते हैं या जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं एंड में, वो उसके बेस पे करते हैं, ठीक है। मैम ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है क्या? क्या क्या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये? हाँ जी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मतलब गवर्नमेंट का वो है। यस, गवर्नमेंट। हम इसके टीचर्स कौन होते हैं? लाइक जो एक्सपर्ट्स रखे होते हैं इन्होंने, अच्छे एक्सपर्ट्स होते हैं, बट टीचर्स गवर्नमेंट होते हैं। हाँ हाँ, ऑल इंडिया से सिलेक्ट किए होते हैं उन्होंने, अच्छे टीचर्स हैं। फैकल्टी मतलब ऑल इंडिया, इन्होंने लिखा है कि हम बहुत सारा सर्वे करते हैं और उसके बाद हम टीचर्स को सिलेक्ट करते हैं। जैसे जो होते हैं ना, जैसे मतलब मैंने जितना इसको गो थ्रू किया है, ज्यादातर टीचर्स ऐसे लगता है जैसे जैसे जो रिटायर्ड हैं, जो बहुत ही नॉलेजेबल हैं, पीएचडी कर रखी है, ऐसे मतलब ना ऐसे वाले ज्यादातर हैं सीनियर टीचर्स, तो अच्छे टीचर्स हैं इनके, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट देखो कि इसमें 9 नेशनल एजेंसीज काम करती हैं स्वयं के अंदर। 9 के 9 एजेंसीज के यहाँ पे नाम दिए हैं, ठीक है, कौन कौन सी है? AICTE है, NPTE, इन सबको आप हायर एजुकेशन में भी पढ़ चुके हो और पढ़ते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी इनको लर्न कर लोगे तो सेम ही है। और इनकी फुल फॉर्म्स आप वहाँ के लिए भी काम आएंगी, हायर के लिए भी, यूनिट 10 में भी काम आएंगी और यहाँ भी काम आएंगी, तो आप इनकी फुल फॉर्म्स लर्न कर लोगे। कौन कौन सी 9 एजेंसीज हैं ये सबसे पहले तो लर्न कर लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लर्न करना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये यहाँ पे कर क्या रहे हैं। अब जैसे AICTE है, उसका क्या काम है? उसका काम है जी सेल्फ पेस्ड, स्वयं के ऊपर जितने भी सेल्फ पेस्ड और इंटरनेशनल कोर्सेज हैं। सेल्फ पेस्ड का मतलब बच्चा जो खुद की स्पीड से करता है, ऐसे जो कोर्स हैं, और प्लस जो इंटरनेशनल कोर्स हैं वो कौन हैंडल करता है? वो AICTE हैंडल करती है, ठीक है। NPTEL क्या हैंडल करती है? इंजीनियरिंग के जितने भी कोर्सेज हैं स्वयं के ऊपर कराए जाते हैं वो सब होल्ड करती है, मतलब वो संभालती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर UGC की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन लेकिन नॉन टेक्निकल, ठीक है, नॉन टेक्निकल मतलब जिसमें MA, सारी तरह की MA आ जाती हैं, MEd आ गई या MA इंग्लिश सोशियोलॉजी, इस तरीके की जो फील्ड्स होती हैं वो सारी की सारी नॉन टेक्निकल, बिना मतलब जो टेक्निकल नहीं है और पोस्ट ग्रेजुएशन आती है, MA की बात हो रही है यहाँ पे, मास्टर्स की बात हो रही है, वो UGC हैंडल करती है। फिर CEC क्या हैंडल करती है? अंडर ग्रेजुएशन, यानी कि BA वगैरह, BBA,
बी कॉम ये सारी चीजें जो है वो सीईसी हैंडल करती है. फिर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो हमें पता ही है स्कूल एजुकेशन के लिए जानी जाती है, तो स्कूल एजुकेशन को ही यहाँ पे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. एनआईओएस भी स्कूल एजुकेशन के लिए है जो ओपन स्कूलिंग के लिए जानी जाती है, यहाँ पे बच्चे प्राइवेट स्कूलिंग कर लेते हैं. देन इग्नू, इग्नू आप सबको पता है कि एक प्राइवेट मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस या प्राइवेट एजुकेशन के लिए जानी जाती है. इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी है तो वो आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि जो कभी स्कूल नहीं गए, मतलब वो कह लीजिए उन्होंने सारी स्टडीज अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस या अपनी प्राइवेट से ही की है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. देन आईआईएमबी नाम से पता लग रहा है मैनेजमेंट स्टडीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. देन निटर, निटर क्या है जो कि टीचर्स का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे डीएड हो गया, डीएलएड हो गया, बीएड हो गया, ब्रिज कोर्सेज करते हैं टीचर्स, तो टीचर्स के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे मतलब प्रोग्राम मतलब कोर्सेज वो सारे के सारे निटर हैंडल करते हैं. ठीक है, तो इन 9 एजेंसीज की फुल फॉर्म लर्न कर लेना, प्लस इन एजेंसीज को इस तरीके से लर्न करना कि इनके काम क्या क्या हैं आपको पता होने चाहिए. ठीक है, ये सिर्फ रटने वाला चीज है कि स्वयं में कौन कौन काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं. अब आता है जी स्वयं प्रभा. ठीक है, स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, स्वयं प्रभा चैनल्स है. ठीक है, टीवी के ऊपर आते हैं और आप देख सकते हैं, मतलब आप सर्च आउट कर सकते हैं इसको. ठीक है, और इसके अंदर कितने चैनल है आपको एक तो ये याद रखना है कि 32 डीटीएच चैनल होते हैं. ठीक है, ये 32 चैनल्स हैं और ये करते क्या है, स्वयं के ऊपर जो चीजें हमें जो डिग्रियां जो भी या मतलब पढ़ाया जाता है, मतलब किसके ऊपर, स्वयं के ऊपर, वो स्वयं प्रभा के ऊपर हमें दिखाया जाता है. तो ये जो चैनल्स हैं ये 24/7 मतलब 24 घंटे चलते रहते हैं. ठीक है, और ये कौन सी सैटेलाइट, देखो यहाँ पे सैटेलाइट का नाम जरूर याद रखना, GSAT-15 इस सैटेलाइट के थ्रू ये चैनल चलते हैं, क्योंकि ये एजुकेशनल सैटेलाइट है तो आपको नाम जरूरी याद रखना है. फिर एवरीडे हर दिन कहता है 4 घंटे तो नई चीज पढ़ाते हैं. ठीक है, बाकी के जो जितने भी घंटे हैं मतलब उसमें रिपीटेशन चलती है, उन्हीं 4 घंटों में जो पढ़ाया गया है उसमें रिपीट चलता है, तो कभी भी स्टूडेंट लगा के देख सकता है, तो 5-5 घंटे की रिपीटेशन चलती है उस चीज़ की. ठीक है, उसके बाद कहता है कि बस उसके बाद ये कहाँ से कनेक्टेड है, गांधीनगर दिल्ली से कनेक्टेड है, और इसके अंदर जो काम कर रही हैं एजेंसीज जो ये कंटेंट प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि NPTEL हो गया, IITs जो कि टेक्नोलॉजी की हैं, ठीक है, UGC हो गया, CEC हो गया, इग्नू हो गया, NCERT हो गया, NIOS हो गया, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस तरीके से का कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे या फिर कौन यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये भी तो एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करेंगे ना कि क्या पढ़ाएंगे हम. और अगर आप कभी क्लासेस देखो तो वो बड़े अच्छे से समझाते हैं, मैथ्स की क्लास चल रही है या किसी भी चीज़ की, तो आज क्या पढ़ाया जाएगा या कल क्या पढ़ाया जाएगा ये वो डिसाइड करते हैं, और कैसे पढ़ाया जाएगा ये स्वयं प्रभा. तीसरी चीज हमारी आती है MOOC. MOOC क्या है, अब इसको फुल फॉर्म से ही आप जान लोगे. हाँ जी बताइए. मैं MCQ कर रही थी मैम, तो एक स्वयं प्रभा क्वेश्चन आया, उसमें तो 2 क्वेश्चन सही थे, जैसे कि एक 32 चैनल हो गए, 32 चैनल पे क्लिक की तो एक 34 भी एक क्वेश्चन बता रहा था, वो भी सही है, 2 क्वेश्चन करके दिखा रहा था उसमें. विभा क्वेश्चन भेजना बाद में ना, क्लास के बाद मुझे क्वेश्चन भेज देना क्या क्वेश्चन. ठीक है, देखती हूँ मैम, प्रीवियस ईयर से कर रहे थे. ऑनलाइन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन, मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू, कोई आपको फिजिकली कहीं नहीं जाना इसके लिए. कोर्सेज का मतलब आपको पता ही है कि कुछ प्रोग्राम कुछ कोर्सेज इसके ऊपर पढ़ाए जाते हैं कराए जाते हैं. तो MOOC मतलब क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. ठीक है, अब मैसिव का मतलब आप समझते हो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स इसके ऊपर आ सकते हैं, तो 1 लाख के करीब करीब यहाँ पे एनरोल्ड हैं ऑलरेडी MOOC के ऊपर. ठीक है, तो बहुत बड़ी तादाद में बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, और टेकिंग द क्लासेस आर फ्री, यानी कि यहाँ पे फ्री. और ओपन का मतलब क्या है, ओपन का मतलब एक तो ये है, जैसे मैंने अभी पढ़ा था कि एनीवेयर एनी टाइम एनीबॉडी कैन कम, है ना, और फ्री ऑफ कॉस्ट आल्सो. तो इफ यू वांट अ सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन, सम प्रोग्राम्स रिक्वायर फीस आल्सो,
कुछ कुछ में फीस लगती है, अगर आप सर्टिफिकेट जनरेट करवाते हो तो वो कुछ 100 मतलब कुछ थोड़े बहुत पैसे आपसे मांगते हैं, अदरवाइज पूरा कोर्स फ्री होता है। वो भी कुछ कोर्सेज के अंदर है जो शायद प्रैक्टिकल होंगे, इस साइंस के फील्ड के होंगे, इस तरीके के। तो नेक्स्ट क्या कहता है कि ऑनलाइन, ऑनलाइन का मतलब क्या है, कोई अटेंडेंस सिस्टम नहीं है, आप कभी भी उनकी वीडियोस को स्ट्रीम कर सकते हो यानी देख सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करनी है आपको। देन उसके बाद कोर्सेज हैं, कोर्सेज मतलब ये एम्फसाइज करता है कुछ की फीचर्स ऑफ द क्लास, सच एज जैसे एंगेजमेंट विद द मटेरियल, आइडिएशन एंड नेटवर्किंग विद द स्टूडेंट्स, यानी कि इस पे कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसके अंदर वो बच्चे को अपनी अपने हिसाब से एंगेज करता है और उनको पढ़ाता है। सिंपल सी चीज है कि कुछ कुछ प्रोग्राम्स है इसके ऊपर जो पढ़ाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको क्रैश कोर्सेज दिखाए थे कि यहाँ पे ज्यादातर क्रैश कोर्सेज हैं कि अगर आपको जैसे कोई लैंग्वेज सीखनी है, मान लो आपको C++ सीखना है, आपको जावा सीखना है, या आपको इस तरीके की पाइथन सीख, मतलब जैसे ये तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हो गई, अदरवाइज साइंस फील्ड बायो वालों के लिए काफी कुछ है यहाँ पे, तो मतलब आप एक्सप्लोर कर सकते हो MOOC की साइट पे जाके, ठीक है। ये हमारे MOOC होते हैं। अब यहाँ तक का क्लियर है आपको, ये जो हमने ऑनलाइन मेथड ऑफलाइन मेथड किए हैं, इज इट क्लियर? यस मैम, एक बार बता दीजिए। क्या बता दूं मैम, एक बार MOOC फिर से बताना मैम। MOOC में मैसिव, MOOC, हाँ जी मैम, मैसिव बता दीजिए एक बार, MOOC में ये वाला। अच्छा, मैसिव बता दूं, मैसिव का मतलब होता है बड़ी जनसंख्या में, मतलब कि बहुत ज्यादा बच्चा। नॉर्मली हमें क्या होता है, स्कूल में 1 लाख बच्चा थोड़ी होता है, स्कूल्स में क्या होता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे थोड़ी बच्चे होते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ऐसा हो सकता है ना। मैसिव का मतलब है ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे ज्यादा से ज्यादा बच्चा मतलब उसको अटेंड कर सकता है या उसमें एडमिशन ले सकता है, ठीक है। मैसिव मतलब बहुत ज्यादा, इन लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे लिखा है मैसिव के सामने, बहुत सारे बच्चे। ओके मैम, ठीक है। और क्या पूछ रहे थे इसके बारे में? चलूं आगे। नेक्स्ट हमारा, यहाँ से ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, लेकिन क्वेश्चन इतना इजी होता है अगर आप अपना माइंडसेट ओपन करके यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देते हो तो बड़ा ही इजी होता है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है, इतना इजी होता है मतलब इस टॉपिक में से। क्योंकि हमें जनरली एज टीचर्स हमें पता होता है कि बच्चे के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या एक बच्चा, ज्यादातर क्वेश्चन क्या आता है ना यहाँ पे कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग कैसे है, या क्योंकि हर टीचर क्या समझ के चलता है क्लास में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो सब टीचर्स को क्या लगता है। अभी जैसे मैंने पूछा कि अच्छा आ गया समझ, अभी चाहे आप में से आधों को समझ में ना आया हो, ठीक है, या आप में से आधों ने कहा ना हो कि मैम ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, या आप में से आधों को ये लग रहा हो कि मैम बहुत फास्ट पढ़ा रही है, या मैम बहुत स्लो पढ़ा रही है, या मैम बहुत डेप्थ में जा रही है, कुछ भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि आप लोग इंडिविजुअली क्या हो, एक दूसरे से अलग हो, लेकिन एक टीचर क्या परसीव करके चलता है हमेशा क्लास में, यही परसीव करके कि एक को आ गया तो सबको आ गया होगा, है ना, कि इसको समझ में आ गया तो इसका मतलब सबको समझ में आ गया। तो हम ज्यादातर कई बार ये जैसे बार बार पूछने का मतलब क्या होता है कि आ गया ना सबको, इसका मतलब क्या होता है। रैंडमली कई बार मैं ये भी पूछती हूँ कि बाकियों को आ गया कि नहीं, अगर एक ने यस बोल दिया कि बाकियों को आ गया कि नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि एक को समझ में आ गया है या एक ने आपकी बात को अंडरस्टैंड किया है तो दूसरों ने भी कर लिया है। तो बच्चे क्या होते हैं, एक दूसरे से कई मायने में डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझ लेनी है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से कारक हैं जिनमें बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है, या मतलब एक बच्चा दूसरे बच्चों से अलग हो सकता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो कारक है वो क्या है, इंटेलेक्चुअल, यानी कि बच्चा क्या हो सकता है, मानसिक तरीके से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई बिलो एवरेज होगा, ठीक है, कोई एवरेज होगा, कोई इंटेलिजेंट होगा, कोई उससे भी हाई हो सकता है, ठीक है, कोई इनके बीच में भी लाए कर सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। किसी भी, मैं IQ की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली नंबर की बात भी कर रही हूँ, मतलब मानसिक तौर पे जैसे उसकी जो भी उसकी मानसिक क्षमता होगी। कहने का मतलब है एक बच्चा, कई बच्चे होते हैं एक ही बार में बात समझाओगे ना उसको समझ में आ जाएगी, कई बच्चे होते हैं कि उसको 2-3 बार आपको समझाना पड़ता है, अलग अलग एग्जाम्पल देने पड़ते हैं तब उसको समझ में आता है। तो वो इंटेलेक्चुअल उनका क्या लेवल है, किस हिसाब से वो समझते हैं, एक दूसरे से अलग होता है हमेशा। दूसरा आता है जी सामाजिक, ठीक है,
सामाजिक का मतलब क्या है, सोशल, सोशल तरीके से हम एक दूसरे से हमेशा भिन्न होते हैं क्योंकि हम अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, अलग अलग हमारा सिस्टम अलग होता है। यानी कि शुरू से मैंने जो चीज सीखी है, मैं जिस स्कूल में शुरू से पढ़ी हूँ या मैं जिस भी बैकग्राउंड से आई हूँ, जरूरी नहीं है कि आप सब भी उसी उससे आए हो, ठीक है। तो वो सामाजिक तौर पर हम एक दूसरे से क्या होते हैं, हमारा समाज, हम सबका समाज एक नहीं होता, डिफरेंट होता है। हमारी सोसाइटीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब आप सबकी सोसाइटीज डिफरेंट रहेंगी तो उस मायने में भी आप लोग भिन्न हो। अब हो सकता है किसी किसी ने कोई टर्म जो है, मान लो मैं कोई त्योहार का नाम ले दूं जो साउथ इंडिया में मनाया जाता है, अब मतलब जो मान लो जो या वो कोई भोजन खाते हैं, मैं उसका कोई नाम ले दूं या कोई ऐसी चीज का नाम ले दूं, तो उन बच्चों को तो वो पता होगा क्योंकि उनके समाज में वो चीज होती है या उनके समाज में वो चीज है, लेकिन आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप नॉर्थ इंडियन हो, आपका आपका समाज क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ऐसी काफी सारी चीजें होंगी जो शायद आपको पता होंगी, मुझे नहीं पता होंगी, क्योंकि आपका समाज और मेरा समाज डिफरेंट हो जाता है। सामाजिक तौर पर हम एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इसी तरीके से बच्चे भी अलग अलग बैकग्राउंड सोशली लेके आते हैं क्लास में, ठीक है। देन आता है कि पर्सनल लेवल पे, यानी कि निजी, ठीक है। अब जब हम निजी कहते हैं तो निजी तरीके से भी बच्चे क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। निजी तरीके से मतलब मेरी अपनी लाइक्स डिसलाइक्स हो सकती हैं, मेरे अपने पसंद नापसंद, मेरी अपनी इंटरेस्ट। अब जैसे आप कहते हो कि कोई बच्चा होता है मैथ में नेचुरली बड़ा ही अच्छा होता है ना, मतलब उसका खुद का इंटरेस्ट होता है, हो सकता है उसको मैथ्स अच्छा लगता हो खुद से, बाकियों को ना लगता हो, ठीक है। बाकी हो सकता है कोई ना कोई इंग्लिश में होता है, हर कोई बच्चा किसी ना किसी सब्जेक्ट में तो अच्छा होता ही है और किसी में नहीं भी होता है। इसका मतलब वो उस सब्जेक्ट को पढ़ना उसको बोरिंग लगता है या फिर उसका इंटरेस्ट नहीं है या फिर उसका उतना उसके अंदर कह लीजिए दिलचस्पी है ही नहीं। तो इस तरीके से हम निजी तरीके से भी एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे ये तो भाई बहन में भी ये सारी चीजें होती हैं, जरूरी नहीं है कि क्लासरूम की ही हम बात कर रहे हैं। जो भी सीख रहे हैं, जितना भी कोई भी सीखने आ रहा है, चाहे वो ब्रदर सिस्टर नहीं क्यों ना है, उनके भी लाइक्स डिसलाइक्स डिफरेंट होते हैं हमेशा। देन आता है जी इमोशनल फैक्टर, यानी कि संवेग जिसको हम कहते हैं, इमोशंस यानी हमारी फीलिंग्स, ठीक है। तो भावनात्मक तौर पे भी, संवेगिक तौर पे भी जो बच्चे हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है। उनको क्या रहता है कि किसी के इमोशंस ज्यादा वीकर होते हैं, किसी के स्ट्रांग इमोशंस होते हैं, तो अलग अलग इमोशनल लेवल होता है और वो अलग अलग चीजों से हर्ट जल्दी हो सकते हैं या जल्दी कहीं तो हसमुख होते हैं बहुत ही ज्यादा, उनको कोई हर्ट मतलब एज सच नहीं होता, स्ट्रांग होते हैं अपने इमोशंस के साथ, लेकिन कहीं वीक भी होते हैं, तो उस हिसाब से वो अलग रहेंगे। फिर पांचवा आता है नैतिक, नैतिक तरीके से भी, यानी कि मॉरल लेवल जो होता है बच्चे का वो भी भिन्न होता है। यानी मोरालिटी क्या होती है, जैसे अगर मेरे लिए, क्या पता मेरे लिए जो मैंने किया, मान लो मैंने एक गलत चीज कर दी, ठीक है, मैंने एक गलत चीज कर दी जो आपके लिए तो गलत थी लेकिन मेरे लिए वो सही थी, ये भी तो हो सकता है ना। जरूरी थोड़ी ना कि मेरे लिए वो सबके लिए गलत हो, एक गलत चीज हो सकता है मैं उसको गलत ही नहीं मानती, तो मेरी मोरालिटी शायद उस चीज को सही कहती हो, ठीक है। तो ये क्या है कि डिफरेंट मोरालिटी लेवल से भी बच्चे आते हैं, प्लस इमोशनल लेवल, पर्सनल लेवल, सोशल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल। आपके पेपर में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे उन्होंने ये लिखा होता है कि बच्चा अगर इकोनॉमिकली एक ऐसे बैकग्राउंड से आया है जो कि अच्छा नहीं है, ठीक है, या फिर इकोनॉमिकली लो है बच्चा, तो क्या ये बात टीचर को अफेक्ट कर सकती है? No, ma'am. आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है कि इकोनॉमिकली कितना भी लो हो बच्चा, कितना भी हाई हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता एज टीचर्स, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हमें इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी पूरे पांच के पांच चीजें हैं, ये सारी आपको कहीं ना कहीं क्लास के अंदर उसको समझने में, उसको जानने में बच्चे को आपको आ सकती हैं आड़े, लेकिन ये नहीं आएगी कभी भी, ठीक है। तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता कि बच्चे के घर में कितना मतलब वो इकोनॉमिकली यानी आर्थिक तौर पर वो कितना मतलब स्ट्रांग है या वो नहीं है, उससे हमें टीचर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज आपको याद रखनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपने एक तो समझ लिया जनरल वे में कि लर्नर्स में कैसे कैसे अलग हो सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता कैसे कैसे हो सकती है एक बच्चे से दूसरे बच्चे में। अब हम बात करेंगे दो अलग तरीके से बच्चे में कि किशोर अवस्था के बच्चों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और
प्लस एडल्ट बच्चों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, क्योंकि हमने एज लेक्चरर आपने दो एजेस के साथ डील करना होता है, ठीक है, दो उम्र के बच्चों के साथ डील करना होता है, एक किशोरावस्था के बच्चे जिसे कॉलेज में जब एंटर करते करते हैं तो वो ऑलमोस्ट किशोरावस्था में होते हैं, और जब वो थोड़ा और बड़े हो जाते हैं तो वो एडल्ट बन जाते हैं, तब आपको उनके साथ डील करना होता है। तो देखो एडोलसेंट में हम क्या करते हैं, तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहली बात तो एडोलसेंट एज को हम तीन चीजों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तीन एजेस की होती है एडोलसेंट। एक तो 10 से 12 साल का बच्चा इसके अंदर आ जाता है, एक 12 से 16 साल का बच्चा इसके अंदर आ जाता है, और फिर 16 से 19 या 18 साल तक आप कह सकते हो टीन एज, ये पूरी टीन एज होती है, ठीक है। तो इसको हम अर्ली एडोलसेंट एडोलसेंस यानी कि पूर्व किशोरावस्था, फिर मध्य किशोरावस्था और फिर पश्च किशोरावस्था यानी कि लेट एडोलसेंस हम इसे कहते हैं। तो तीन अलग अलग चीजें हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो बच्चे के जैसे कि जो फिजिकल ग्रोथ है इसके अंदर ना 10 से 12 वाले में ज्यादा स्ट्रेस किसके ऊपर है, उसकी फिजिकल चेंजेस के ऊपर, यानी कि जो उसके शारीरिक रूप से जो उसमें चेंजेस आएंगे, जब हम किशोरावस्था में एंटर करते हैं हमारी हाइट बढ़ने लगती है, हमारी वॉइस में चेंज आता है, हमारे फिजिकल और भी काफी सारे इवन सेक्सुअल काफी सारे चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं अर्ली एडोलसेंट के अंदर ज्यादा डोमिनेट करते हैं, हम उन सब चीजों में ही ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, या कह लीजिए उन सब चीजों से एकदम फेमिलियर नहीं हो पाते हैं। फिर उसके बाद आता है कि मिडिल एडोलसेंट, मिडिल एडोलसेंट के अंदर आपकी जो जेनेटिक डेवलपमेंट है, ठीक है, जैसे कि गर्ल्स हैं अगर वो मतलब पर्सनली किसी स्किल को क्विकर ज्यादा जल्दी समझ जाती हैं, या उनकी लॉयल्टी लेवल उनका कमिटमेंट लेवल मैटर मोर ज्यादा मैटर करता है उनके लिए, ठीक है। फिर जैसे डिसीजन मेकिंग का जो एक पॉइंट आता है यानी निर्णय लेने का, ठीक है, अब बच्चा क्या करता है प्यूबर्टी में एंटर करते ही बच्चा ये सोचता है कि अब मैं मतलब कह लीजिए डिसीजंस ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, और एजुकेशन के लिए वो डिसीजंस भी बनाते हैं यानी कि खुद से डिसाइड करते हैं, ठीक है। फिर फिजिकल इफेक्ट ऑफ प्यूबर्टी डेवलपमेंट, यहाँ पे भी अभी भी बच्चे को क्या है शारीरिक तौर पे चेंजेस अभी भी हो रहे हैं, और जो कि उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, ठीक है। और उनकी सेल्फ इमेज उनके लिए काफी मैटर करती है, सेल्फ इमेज मतलब भी मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, है ना, जैसे हम ऐसा ऐसी बातें हम सोचते हैं, तो वो टीनेज में बहुत उनके लिए मैटर करती है। देन आता है कि लेट एडोलसेंट, लेट एडोलसेंट बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हम एडल्टहुड में पैर रख रहे हैं, ठीक है, कि मैं व्यस्क अवस्था की तरफ बढ़ रही हूँ, उस वो लेट एडोलसेंट है, क्योंकि इसके बाद बच्चा काफी हद तक उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल काफी अच्छा हो जाता है। हालांकि ये जो दो पीरियड है इनमें उसकी काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट रहती है, जैसे पेरेंट्स से या टीचर्स से या कह लो समाज के प्रति वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते एकदम से रूल्स वगैरह को, हम भी इस फेज से गुजरे हैं तो हमें ऑलमोस्ट पता ही होती हैं चीजें, तो लेकिन जब हम बिल्कुल एडोलसेंट से यहाँ पे एडल्टहुड में एंटर करते हैं तब हम ज्यादातर एक तो करियर डिसीजन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारी लाइफ में कि आपको आगे क्या करना है, ये हम उस टाइम पे डिसाइड करते हैं, मतलब क्योंकि हमारी स्टडीज ही ऐसी हैं कि हम एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं कि अच्छा मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे अभी से डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे मेडिकल लेना है या मुझे अपना माइंडसेट उस हिसाब से प्रिपेयर करना है और मुझे ये डिसीजन कैसे लेना है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो है वो हम लेट एडोलसेंट में करते हैं। तो ऐसा एक लर्नर होता है आपका किशोरावस्था का। अब एडल्ट लर्नर की बात करते हैं। हाँ जी मैम, ये एडोलसेंट ये वाला जो पढ़ा है तेरा नेट दे, एक एक करके मैम रुक 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 हां सटा के। हाँ जी हाँ जी बोलो बोलो। हेलो। हाँ जी बोलो मैम, ये पूछ रही हूँ, ये एडोलेसेंस वाला जो आपने पढ़ाया अभी, इस पे कैसा क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन जैसे ही मैं एमसीक्यू डिस्कस करूंगी ना आपसे, मैं बताऊंगी आपको कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? मैम एक बार और एडल वाला बता दीजिए, वो मेरा नेट कट गया था मैम। क्या बता दूं? कौन सा वाला? 16 से 18 के बच्चों के बारे में। अच्छा 16 से 18 में मैंने यही बताया कि आप एकदम से मतलब ऐसा प्रिपेयर हो जाते हो कि आप मतलब व्यस्क
जागरूकता की तरफ बढ़ने लगते हो, और प्लस आप करियर डिसीजंस जो हैं वो आपको मतलब एक इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ में एक ऐसा पहलू आता है, एक ऐसा फेज आता है जिसमें हमें अपने करियर को भी डिसाइड करना पड़ता है, वो भी 16 से 19 के आसपास ही होता है। तो इस तरीके के इम्पॉर्टेंट मतलब डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, निर्णय बनाना किसी चीज़ के बारे में, ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारी लाइफ में आने लगती हैं। ठीक है, मतलब हम वो सीख जाते हैं कहने का मतलब है। फिर उसके बाद आता है जी एडल्ट लर्नर। जैसे मैंने कहा टीन एज अगर हम एग्जैक्ट yes, exactly, लेकिन सारी बुक्स में क्या होती है ना अलग अलग दी होती है, मतलब जैसे आपने कहा किसी में 10 से दी है, किसी में 12 से दी है, जैसे यहाँ भी 10 से 12 दी है, लेकिन उसको 10 से 12 को यहाँ पे क्या लिखा है अर्ली एडोलेसेंट, यानी कि बिल्कुल हम जब घुसने लगे हैं एडोलेसेंट के अंदर, मतलब जाने लगे हैं, कदम रखने लगे हैं, वो चीज है। ठीक है, अदरवाइज ये 13 से टीन एज, टीन का मतलब 13 to 19 फिक्स है। Then आता है जी व्यसक। अब आपका जो छात्र है वो कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या क्या उसके क्या इंटरेस्ट बेसिस होते हैं, तो सबसे पहली बात है कि वो ऑटोनॉमस होता है। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमस मतलब खुद से काम कर लेगा, आपके ऊपर ज्यादा निर्भरता उसकी नहीं रहेगी या पेरेंट्स के ऊपर नहीं रहेगी एनी मोर, तो उसको कुछ भी सीखना है तो वो खुद से सीख सकते हैं, खुद ही मतलब अप्रोच कर सकते हैं चीजों को। फिर सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, यानी कि अपने अपने आप को खुद ही दिशा निर्देश देते हैं, किसी के कहने पर नहीं चलते हैं। ठीक है, क्योंकि अब वो व्यसक हैं तो वो खुद से निर्णय ले सकते हैं, तो वो खुद के थॉट्स को प्रेफर करते हैं, यानी कि अपनी सोच को महत्व देना शुरू करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है तो मैं ऐसा ही करूंगी। ठीक है, तो सेल्फ डायरेक्शंस होती हैं उनके अंदर, अपने गोल्स को अचीव कैसे करना है वो खुद से ही तय कर लेते हैं। फिर दे ब्रिंग लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज, यानी कि उनको काफी अनुभव अब तक हो चुका होता है, काफी ज्ञान भी अब तक आ चुका होता है, तो उनके पास काफी ऑप्शंस होते हैं, तो वो अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, उनका निर्णय जो होगा, जो भी वो निर्णय लेंगे कभी भी, वो अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर लेंगे, और वो सही मतलब काफी हद तक सही होगा, मैच्योर होगा डिसीजन। फिर गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। ठीक है, गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है यहाँ पे, कि उनका हमेशा जो भी वो काम कर रहे हैं वो बिना किसी लक्ष्य के नहीं होगा, हमेशा किसी ना किसी लक्ष्य से वो मोटिवेटेड होंगे और उस हिसाब से ही वो काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड टू लर्न व्हेन दे कैन सी द नीड टू एक्वायर नॉलेज टू एड्रेस अ रियल लाइफ प्रॉब्लम और सिचुएशन, यानी कि उनको कुछ भी वो पढ़ रहे हैं, गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या, उनका कोई ना कोई लक्ष्य है उसके पीछे, और वो कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, या कोई ना कोई अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपनी जीवन से संबंधित कुछ ना कुछ चीज करना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से वो कर रहे हैं। देन रेलिवेंसी ओरिएंटेड, रेलिवेंट होना, यानी कि एक एडल्ट लर्नर क्या करता है, विल लर्न बेस्ट व्हेन दे आर रिलेट द लर्निंग टास्क टू देयर ओन गोल्स, यानी कि अगर मैं कोई चीज सीख रही हूँ तो अगर वो मेरे से रिलेट करती है ना, तो वो मुझे काफी जल्दी समझ में आ जाएगी और उसकी रेलिवेंसी मुझे ज्यादा लगेगी, मतलब मुझे ये लगेगा कि अच्छा ये चीज सीखनी मेरे लिए बड़ी सही है, क्योंकि मेरे घर में ना ऐसे ही होता है, तो मैं ना उसमें हेल्प कर पाऊंगी। तो रेलिवेंसी मतलब कि जो मुझे मुझे जो सही लगती है, ठीक है, वो चीज करनी। तो आपका जो यहाँ पे एडल्ट लर्नर है, मोटे मोटी बात आपको ये याद रखनी है कि जो एडल्ट लर्नर है वो सब कुछ अपने आप हैंडल कर सकता है, वो एडोलेसेंट लर्नर की तरह दूसरों पे निर्भर नहीं करता है बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो ये मैंने एड ऑन किया है क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपके लर्निंग स्टाइल्स क्या होते हैं। ठीक है, हमारी क्लास में कैसे कैसे बच्चे होते हैं जिनके डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, तो मेन हमारे पास तीन स्टाइल होते हैं अलग अलग। ठीक है, तीन कौन से स्टाइल होते हैं हमारे पास जिनसे बच्चा सीखता है। कई बच्चे, ये आप लोग भी हो गए ये, ठीक है, जैसे आप लोगों का भी लर्निंग स्टाइल इनमें से एक होगा। जैसे कई बच्चे विजुअल का मतलब देख के या पढ़ के हमेशा उनको याद रहता है, जैसे कि ग्राफ से पढ़ी हुई चीजों कभी नहीं भूलते, या चार्ट से, वीडियो से, मतलब वो प्रेफर करते हैं कि मैं देखूं, जब तक मुझे दिखेगा नहीं मुझे नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है ना। तो कई बच्चे क्या होते हैं, दृश्य जो है यानी कि विजुअल उनकी लर्निंग स्टाइल होता है,
कई बच्चे जो होते हैं सिर्फ सुन के भी पढ़ लेते हैं, मतलब सुन के भी उनको याद रह जाता है, मेमोराइज हो जाता है, जैसे हियरिंग से या स्पीकिंग से। जैसे आप में से अगर कोई बच्चा इस वक्त अगर पीपीटी ना देख रहा हो या मुझे सिर्फ सुन रहा हो और बाद में भी उन चीजों को याद रख पाए, ठीक है, तो वो जो चीजें होती हैं हैव लर्नर वर्बलाइज क्वेश्चंस, यानी कि वो क्या करते हैं बोली हुई चीज को याद कर लेते हैं। जैसे हम कॉलेज में मोस्टली मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ज्यादा ऑडिटरी हूँ, हालांकि विजुअल भी हूँ लेकिन ऑडिटरी ज्यादा हूँ। मतलब अगर सुन लिया एक बार तो वो दिमाग में बैठ जाएगा। तो हम लोग कॉलेज में भी क्या करते थे, या आपस में फ्रेंड्स बैठ जाते थे और हम लोग डिस्कस करते थे। डिस्कशन से क्या होता है, जो चार पॉइंट सामने वाले ने बोले हैं, चाहे कॉपी में से क्यों ना बोले हों, तो वो चार पॉइंट जो बोले हैं ना वो मेरे दिमाग में घुस जाने हैं, है ना, और उसके बाद हम क्या करते थे उसको, वो फिट रहता था माइंड में। तो जनरली जो ऑडिटरी लर्नर्स हैं वो मोर होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो सुन के याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, मतलब नॉलेज ले लेते हैं। तीसरे आते हैं आपके काइनेस्थेटिक, ठीक है, काइनेस्थेटिक जिसको हम गतिक कहते हैं, गति वाले, यानी कि जो टच से या जो कुछ करके सीख के पढ़ते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि उनको बुक में पढ़ा हुआ या किसी का बोला हुआ नहीं समझ में आएगा, जब तक वो उसको खुद से, जैसे कुछ बच्चे आपने देखे होंगे, अच्छा पढ़ते हैं फिर लिखते भी हैं, लिख लिख के सीखते हैं। जैसे पहले तो ऐसे ही करते थे ना, पेरेंट्स बहुत स्ट्रेस देते थे इस चीज पे कि लिखो, जो याद किया है उसको लिखो, कभी नहीं भूलोगे, अब ऐसा क्यों कहते थे, या फिर उसको ड्रॉ कर लेना या फिर उसको टच करके देखना, मतलब एक्चुअल में उस चीज को फील करना, ठीक है, उस चीज को टच करना, तो वो क्या हो जाता है, काइनेस्थेटिक हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर हम डेमोन्स्ट्रेशंस यूज करते हैं और स्किल्स यूज करते हैं। कई जगह काइनेस्थेटिक को ऐसे भी बताया गया है, मतलब अच्छा आपने कभी किसी को देखा है जो पढ़ते वक्त काफी मतलब टांग हिला रहा हो, या फिर बच्चा खुद ही हिल रहा हो, है ना, या फिर मतलब मूवमेंट कर रहा हो, ऐसा देखा है कभी, मूवमेंट करता है कोई पढ़ते वक्त? यस मैम, है ना, यस मैम। वो क्या करता है, वो भी काइनेस्थेटिक लर्नर होता है, ठीक है। वो जैसे कई जगह पे काइनेस्थेटिक को मोशन से रिलेट किया गया है कि हिलना, जैसे कई बच्चे आप देखोगे पेन को बार बार हिलाते रहेंगे, या पेंसिल को हिलाते रहेंगे, या पेन को बार बार ओपन एंड क्लोज करते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की मूवमेंट्स करना उनकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता है और वो कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे। कई बच्चे जैसे उठ के कॉपी लेके इधर उधर घूम घूम के पढ़ते हैं, घूम घूम के पढ़ते हैं, अब वो क्या है, वो भी काइनेस्थेटिक लर्नर में आएगा, क्योंकि उसको एक जगह नहीं बैठा है, या वो सुन या देख के ही नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो मूवमेंट भी कर रहा है, ठीक है। तो उसका प्रेफरेंस मूवमेंट से है, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन उसी से बन रही है। तो इस तरीके के तीन हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लर्नर्स हो सकते हैं। मैम इसे हिंदी में क्या कहते हैं, क्या इसे हिंदी में क्या कहते हैं जो तीन लर्नर है, क्या बोल रहे हो, मुझे आवाज नहीं आ रही मैम इसे। हम्म, हिंदी में क्या कहते हैं, किसको हिंदी में क्या कहते हैं मैम, किसको ये जो तीन लर्नर? अच्छा, पहला वाला दृश्य है, दूसरा वाला श्रव्य है, तीसरा वाला गतिक है। ओके मैम, ठीक है, ओके जी। अब हमारा एक मेजर टॉपिक आता है जिसमें से मतलब आप लगा लो क्वेश्चन तो आना ही आना है, चाहे कुछ हो जाए। अब इसके अंदर ऐसा क्या है कि क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि एक सिस्टम है जो हर टीचर को अप्लाई करना पड़ता है, वो है बच्चे का मूल्यांकन करना, है ना। हम बेसिक सी चीजें इसके अंदर समझते हैं, तो आज हम इसकी दो ही स्लाइड्स पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी मैं आपको कल कराऊंगी, कल फिर आपका क्योंकि टाइम हो जाएगा तब तक ये वाले लेक्चर का, एंड कल आपका ये खत्म करके और आपका रहेगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रह गया, ठीक है, सिर्फ वो रह गया इसके अंदर, बाकी सारा डन है मेरी तरफ से, मतलब हो जाएगा कल, देन हम एमसीक्यूज पे स्विच कर जाएंगे, ठीक है। परसों आपकी डाउट क्लास रहेगी, तीन क्लासेस में ये हो जाएगा और आपकी डाउट क्लास रहेगी, तो आप डाउट क्लास में अपने क्वेश्चन लेके आ सकते हो, प्लस मैं भी आपको एमसीक्यूज करवाऊंगी, ठीक है। हाफ एन आवर हम एमसीक्यूज करेंगे और हाफ एन आवर में आपके डाउट्स ले लूंगी, ठीक है। अब देखो क्या है, ये दो शब्द हैं, इन दो शब्दों में आपको पेपर में कंफ्यूज भी कर दिया जाता है, कहीं पे वो असेसमेंट लिख देता है, कहीं पे वो इवैल्यूएशन लिख देता है, लेकिन जहां उसने असेसमेंट लिख दिया वही मायने बदल जाते हैं, और जहां उसने इवैल्यूएशन लिख दिया तो क्वेश्चन के मतलब ही वहां पे भी बदल जाता है। अब कैसे बदल जाता है, क्योंकि पहले तो इस चीज का डिफरेंट मीनिंग है,
ठीक, आंकलन और मूल्यांकन दो अलग अलग चीजें हैं, आंकलन और मूल्यांकन। ठीक है, आंकलन और मूल्यांकन अलग कैसे है, पहले हम आंकलन पढ़ लेते हैं कि वो क्या है। असेसमेंट, टू असेस द चाइल्ड। तो आंकलन में हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को सिर्फ ट्रैक कर रहे हैं कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। अब अगर मैंने आपके अभी तक जितने, मैंने तो आपसे नंबर नहीं मांगे, लेकिन अगर मैं आपसे नंबर मांगती या मुझे पता चलता कि अच्छा इतने नंबर आ रहे हैं, तो मुझे उससे क्या पता चलता, मुझे उससे ये पता चलता कि आप लोग डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो या नहीं। अच्छा चलो, मुझे नहीं पता लगा, आपको तो लग गया होगा, अभी तक आपने अपने आप को जरूर असेस कर लिया होगा कि मेरे टेस्ट में इतने नंबर आए थे तो मैं कहाँ फॉल कर रही हूँ, या मुझे और कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या अभी और कितना पढ़ना है। तो मॉनिटर करते हैं हम इससे लर्नर को। दूसरी चीज हम इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको पता ही है कि हम अगर मैंने अभी अगर मैं 50% पे खड़ी हूँ तो मैं अपने आप को 60-70 कहीं भी ले जाके इंक्रीज कर सकती हूँ। ठीक है, तो कितनी इंक्रीज की जरूरत है, कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो चीज आ जाती है। देन अकाउंटेबिलिटी, आपको पता चल जाता है, ठीक है, पता चल जाता है कि एग्जैक्टली मेरी प्रोग्रेस जो है वो कितनी हो रही है, यानी कि किस दिशा में मैं जा रही हूँ, आपको ये अवेयर हो जाते हो आप इस चीज, ठीक है, और टीचर भी हो जाता है। तो यहाँ पे टीचर जो है वो असेस क्यों करता है बच्चे को, ये जानने के लिए कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, या उसका क्या ट्रैक चल रहा है, उसकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है और उसको कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन जब हम मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन पहली चीज तो क्या होती है, ओवरऑल होती है, मतलब एट द एंड होती है, वो मैं आगे आपको, जैसे सर एट द एंड मतलब सब कुछ ही देखते हैं हम इसके अंदर। तो एक तो ये बच्चे को नंबर देने के हिसाब से होती है, ये इंप्रूवमेंट के लिए नहीं होती, मतलब ये इसलिए नहीं होती कि अभी मैं देखूं क्या पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। जब फाइनल पेपर होते हैं या जब भी बच्चे को इवैल्यूएट किया जाता है, उसकी सारी चीजें जब आप देखते हो तो उसको नंबर देते हो, ठीक, ग्रेड्स दिए जाते हैं। दूसरी चीज, उसका सक्सेस एनालाइज किया जाता है, यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं की जाती कि कितनी प्रोग्रेस की, कितनी तरक्की की, ये नहीं देखा जाता, प्रगति नहीं देख रहा है यहाँ पे उसके सफलता को देख रहा है कि वो क्या वो पास हुआ या फेल हुआ, उसकी सफलता क्या है, पास फेल से पता लगती है ना। फिर डिसीजन मेकिंग, बच्चे की जो डिसीजन मेकिंग है वो एंड में क्या डिसाइड किया जाता है, पास और फेल, बच्चा अगली क्लास में होगा या नहीं होगा, ये डिसीजन यहाँ से लिया जाता है इवैल्यूएट करने के बाद। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि हाँ जी पास हो या फेल हो, तो आपने अटेंड किया था या नहीं हुआ था, मतलब आप आगे हो गए, बढ़ गए हो अगली क्लास में या नहीं बढ़ गए हो। तो इस तरीके से दोनों टर्म्स आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं, एक दूसरे से अलग है। ठीक है, समझ में आए? यस मैम। नेक्स्ट चीज क्या आती है जी, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। दो तरह की हमारे पास मूल्यांकन की विधियां होती हैं, आपके पेपर में दोनों आती हैं। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सा फीचर फॉर्मेटिव का नहीं है, या इनमें से कौन सा सबमेटिव का नहीं है। ठीक है, तो आपको दोनों इस हिसाब से पढ़ने हैं। जब हम फॉर्मेटिव कह रहे हैं तो फॉर्मेटिव मतलब रचनात्मक, ठीक है, और सबमेटिव मतलब सारांशित। तो रचनात्मक और सारांशित दो तरीके की हमारी विधियां हैं, यहाँ पे टाइप्स हैं, अलग अलग प्रकार हैं इवैल्यूएशन के। पहला क्या है कि देखो, जब हम कहते हैं फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव का मतलब होता है जब मैं पढ़ा रही हूँ उसके बीच में अगर मैं बच्चे का मूल्यांकन करती हूँ, ठीक है, पढ़ाने के बीच में, मतलब अभी मेरा कोर्स जो है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है, यानी मेरा कोर्स खत्म नहीं हुआ, जैसे अभी मेरा कोर्स खत्म नहीं हुआ आपके साथ, है ना। तो अगर अभी मैं आपके टेस्ट लेती हूँ, जितने भी, वो क्या रहेंगे, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगी, यानी रचनात्मक। लेकिन एट द एंड जब आप पेपर में बैठोगे, है ना, एट द एंड जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो गया, उसके बाद जो आपके फाइनल पेपर होते हैं उसमें जब आप बैठने वाले हैं, जैसे अगर आप अपनी बात करोगे तो आप यूजीसी के पेपर में बैठोगे एंड में मेरे साथ कोर्स कंप्लीट करने के बाद, तो वहां जब बैठोगे तो वो क्या होगा, वो सममेटिव होगा, सारांशित होगा, पूरा निचोड़ निकल के आएगा वहीं पे कि आपने अभी तक क्या किया। ठीक है, तो आपका रिजल्ट वहां पे यही बताएगा। तो ये दौरान है, इन शब्दों को जिनको मैं सर्कल कर रही हूँ, आपको ये याद रखने हैं कि इसे कब असेस किया जाता है। अगर मैं बच्चे को अंत में, प्रक्रिया के अंत में, ठीक है, देख रही हूँ, अगर मैं प्रक्रिया के अंत में बच्चे को असेस कर रही हूँ या इवैल्यूएट कर रही हूँ, तो वो क्या रहेगा, सममेटिव रहेगा। अगर मैं प्रक्रिया के दौरान, यानी कि पढ़ाने, अभी मेरा कोर्स नहीं कम्प्लीट हुआ तब कर रही हूँ, तब बच्चे को मूल्यांकन कर रही हूँ, तो वो रचनात्मक रहेगा। नंबर टू क्या है कि इसके अंदर हम रैंकिंग नहीं करते, ठीक है, कभी भी इसके अंदर बच्चे को रैंक नहीं किया जाता फॉर्मेटिव में। जैसे अगर मैं
बच्चों के यूनिट टेस्ट या मैं बच्चों की क्लास टेस्ट ले रही हूँ उसमें मैं उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा कुछ भी रैंक नहीं करती हूँ, फाइनल रैंकिंग कुछ नहीं होती, ठीक है। इसमें रैंकिंग की जाती है फाइनल एग्जाम में। आप अपनी फिफ्थ क्लास में फर्स्ट आए थे या सेकंड आए थे, आज भी आपके रिपोर्ट कार्ड पे लिखा होगा कि आपकी क्या पोजीशन है, रैंकिंग दी जाती है वहाँ पे, ठीक है, फाइनल पेपर में। देन आता है जी, ये इम्प्रूवमेंट के लिए दी जाती है, यानी जो फॉर्मेटिव है, जो रचनात्मक है, वो केवल जैसे अभी मैं आपको टेस्ट दे रही हूँ, क्यों दे रही हूँ, ताकि आप और अपने आप को MCQs कर करके अपने आप को और प्रैक्टिस करके अच्छे से इम्प्रूव कर पाओ। लेकिन जब आपका फाइनल पेपर होगा वहां पे वो इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं होगा कि आज दे दिया UGC, है ना, काफी काश ऐसा होता है ना, आज दे दिया UGC कल फिर आ जाओ UGC देने के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस बेस्ड नहीं होता। वहां पे क्या होता है, निर्णय लिया जाता है, वो किस लिए लिया जाता है, जजमेंट, कि आप क्वालिफाई हुए या आप क्वालिफाई नहीं हुए। जजमेंट मतलब एक निर्णय पारित किया जाता है वहां पे, एक जजमेंट दी जाती है वहां पे कि आप पास हो या फेल हो या क्वालिफाइड हो या नॉट क्वालिफाइड हो, जो भी है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम यूनिट टेस्ट या क्लास टेस्ट की तरह ले सकते हैं, और ये हमारे जो फाइनल एग्जाम्स या फिर सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं वो हमारे सममेटिव में आ जाते हैं, सारांशित, ठीक है। इसके अंदर हम किसी भी तरह से बच्चे को अगली क्लास में या अगले सेमेस्टर में भी लिख सकते हो, यहाँ पे हम प्रमोट नहीं करते हैं, ठीक है। क्लास टेस्ट या यूनिट टेस्ट के बाद थोड़ी ना मैं बच्चों को अगली क्लास में कर देती हूँ, या आप अगली क्लास में, अगले पड़ाव में या अगले स्तर पर आप नहीं होते हैं। लेकिन इसके अंदर फाइनल एग्जाम के बाद आप प्रमोशन हो जाती है आपकी टू द नेक्स्ट लेवल और क्लास और सेमेस्टर, जो भी लिखा। देन नेक्स्ट चीज कहता है ये, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका दूसरा नाम अगर हम ले तो इसे सीखने के लिए आंकलन भी कहा जाता है, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अभी मैं सीख रही हूँ तो जो मैंने सीखा है अभी तक मैं ये देख रही हूँ कि वो मुझे कितना आ गया, तो सीखने के लिए आंकलन हम इसे कहते हैं। दूसरी और अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे ऑफ है, बस ये याद रखना, अगर रटोगे तो ये याद रखना कि यहाँ पे ऑफ है और यहाँ पे फॉर है, ठीक है, फॉर्मेटिव में फॉर आएगा, फॉर एंड फॉर, ठीक है, फॉर्मेटिव में फॉर आएगा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, और अगर यहाँ देखोगे कि सबमिटिव में क्या आएगा, ऑफ आएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का आंकलन, सीखने का आंकलन मतलब जितना सीख लिया सारे का आंकलन, पूरे का आंकलन, ठीक है। लास्ट में कहता है कि इसके अंदर बच्चा जो है वो खुद से कंपेयर किया जाता है उसको, जैसे मान लो मैंने, अगर बच्चे के यूनिट टेस्ट चल रहे हैं या क्लास टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, पहला टेस्ट जब मैंने लिया तो मान लो रिया नाम की लड़की है तो उसके नंबर आए जी 30, ठीक है, दूसरा टेस्ट जब मैंने लिया तो उसके नंबर आए 40 या 45 जो भी है ना, तीसरा टेस्ट जब मैंने लिया तो उसके नंबर आए 55। अब इससे आपको क्या पता लग रहा है, इससे आपको, आप उसका कंपैरिजन खुद से करोगे कि अच्छा ये लड़की ना अब पढ़ रही है, मतलब और ज्यादा पढ़ रही है, और इम्प्रूवमेंट कर रही है, अच्छा कर रही है, ठीक है, तो आपको क्या पता, आप बच्चे की तुलना किससे कर रहे हो, उसी से ही कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बच्चा दूसरों के साथ कंपेयर किया जाता है, दूसरों के साथ मतलब अगर क्लास में 30 बच्चे हैं और मैं कह रही हूँ, यहाँ पे रैंकिंग हो रही है ना, रैंकिंग हो रही है यहाँ, तो रैंकिंग में अगर मैं कह रही हूँ कि रिया जो है वो सेकंड आई है या अभिषेक जो है वो फर्स्ट आया है, इसका मतलब मैं दोनों को आपस में, फिर तीसरे वाले को भी उसके साथ कंपेयर करूंगी तभी वो थर्ड आएगा ना, तो जितनी भी रैंकिंग आप करते हो वो एक दूसरे से बच्चे के नंबर कंपेयर करके फिर करते हो। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है फाइनल रिजल्ट्स में, लेकिन जो यूनिट टेस्ट या क्लास टेस्ट होते हैं उसमें उनकी खुद की इंप्रूवमेंट देखी जाती है, दूसरों के साथ उनको कंपेयर नहीं किया जाता। हाँ जी, तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? यस मैम, यस मैम, सभी को, ठीक है, ओके। फिर अभी के लिए मैं इतना ही करवा रही हूँ, कल आपको बता दिया ये इवैल्यूएशन कंप्लीट होगा, और प्लस हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, मैं हर बार बोलती हूँ कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो पढ़ के जानी है, एंड प्लस ये जो इवैल्यूएशन है, वैसे तो ये सारी जितनी चीजें मैंने 5-6 चीजें इंपॉर्टेंट वाली ही कराई हैं, इसके अंदर सारी, कुछ भी रैंडम नहीं है। अगर आप फाइनली जब पेपर में जाओगे ना, इन ये PPT मैं भेजूंगी आपको ग्रुप के अंदर, तो इसको जरूर देख के जाना है, ठीक है, बाकी MCQs तो आप कर ही रहे हो। इज दैट ओके?
यस मैम।